एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना झाबुआ के अंतर्गत वर्ष 2020 में मानव सेवी कार्यकर्ता सहायिका की नवीन नियुक्तियों को लेकर आपत्तिकर्ता के अनुसार नियम के विरुद्ध अपात्र महिलाओं की साठगांठ कर गलत तरीके से नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां की गई। जिस संबंध में आपत्तिकर्ताओं द्वारा यथासमय आपत्तिकर्ताओं ने हमारे संवाददाता से बताया कि उन्हें 21/8/2020 को आपत्ति के संबंध में ली गई बैठक हेतु किसी प्रकार की पहले सूचना नहीं दी गई, कोई लिखित में नोटिस नहीं दिया गया, अचानक मुख्यालय पर बुलाकर बिना पढ़ाए समझाए सूचना पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। इस संबंध में आपत्तिकर्ता मनीषा का स्पष्ट कहना है कि मुझे मेरा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और आपत्ति के संबंधित कोई भी दस्तावेज हमसे नहीं मांगे गए, कोई दस्तावेज की जांच नहीं की गई और बैठक नाम मात्र रखी गई जिसमें उपस्थित हुए आपत्तिकर्ताओं के रजिस्टर के हस्ताक्षर लिए गए। एकीकृत महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा कहा गया कि अब तुम घर जाओ, संबंधित बैठक की जानकारी आपत्तिकर्ताओं को सूत्रों से प्राप्त हुआ तो बाद में तत्काल जिला मुख्यालय में सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि की मांग करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के आवेदन को अनदेखा करते हुए बैठक ली गई। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता। अनीता, पूरा नाम? अनीता कालू सिंह अम्बिया गेलर। हाँ, ये आपका महिला बालिका से किस पोस्ट पे नियुक्ति हुई? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कौन से पहिए? सड़क पहिए। इसने एक आपत्ति ली गई है, वो किसने ली और उस संबंध में आपका क्या कहना? सर, मेरा आशा कार्यकर्ता का अनुभव 10 साल का है और मेरे सब नंबर फर्स्ट में आ रहे हैं सर, और प्रतिशत वगैरह आगे जा रहे हैं और मेरे नंबर मिले तो मेरा आंगनवाड़ी में मिले। और जिसने आपत्ति लगाई ना सर, उसको मतलब 2 फरवरी को वैकेंसी निकली, 13 फरवरी तक आवेदन जमा हुए सर, और इसके बाद हुआ 22 मार्च को लिस्ट लग गई हो गई, और जिस जो आपत्ति लगाने वाला है ना सर, उसके साथ ही अभी 1 जून को बरात हुई थी और साथ ही उसकी अभी हुई, और इसका नाम पहले से कैसे जुड़ सकता सर? ये आपत्ति करने वाले का ये कहना है, हाँ, कि आपके द्वारा जो BPL राशन कार्ड लगाया गया वो, हाँ, फर्जी है, इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं सर, ये है कि मेरा ससुर का है BPL और फर्जी हमारी पहले से BPL है, हमारा ये फर्स्ट लड़का है मेरे ससुर का, तो उसका नाम सर रहेगा और हमारे बाद में फर्जी बने सर, नाम तो रहेगा फर्स्ट में कपूर में तो ससुर का। आपका जॉब कार्ड, समग्र ID दोनों शामिल में है? वो अलग है सर, अभी वो गए साल हमको समग्र ID बाद में मिली और BPL में नाम पहले से ही है हमारा, और जिसने सर आपत्ति लगाई कि नहीं उसके साथ ही अभी 1 जून को बरात गई थी, और इसका नाम BPL में कैसे जुड़ गया उसका भी, वो जो आपत्ति लगा रहा नहीं हमको, उसका नाम कैसे जुड़ा सर? और उसको अभी 1 जून को उसकी बरात गई थी और अभी शादी हुई, मेरे पास कंकु पत्रिका सब कुछ और उनके परिवार गांव वालों को सबको मालूम है कि उसको 1 जून को बरात गई थी, और जैसे कि वैकेंसी पहले से निकली हुई थी, और उसका कैसा मतलब वो कैसे आपत्ति लगा सकता, उसका नाम कैसे जुड़ा, जाति, मूल निवासी, आधार कार्ड और ये BPL में नाम उसका कैसे जुड़ा सर? ये तो जांच का विषय है, इसका आप अपना जो भी जवाब प्रस्तुत करना चाहते हो, संबंधित विभाग जो भी जांच करेगा उसके समक्ष आप रख सकते हो। ये तो BPL में फर्स्ट से है सर, हमारा ससुर के साथ हमारा नाम है और सामग्री ID है, ये गए साल से हमारे। सर, ये 2020 में आपके यहाँ सहायिका और कार्यकर्ता की कितनी नियुक्तियाँ की गई? ये दावे आपत्ति में अभी 8 पद थे जिनका निराकरण पिछले बैठक में हुआ है। अभी जो आपत्ति आई थी 2020 की, वो कितनी आई थी आपत्तियाँ? 8 पदों के विरुद्ध आपत्ति प्राप्त हुई। 8 पद पे। सर, मुझे कुछ लोगों ने ये शिकायत बताई है कि बहुत सारों की आपत्तियाँ ऐसी है कि जिनका हुआ है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पे ही नियुक्तियाँ देगी, इससे मतलब जो आपत्ति करता है वो नाराज है। देखो, दस्तावेज उन्होंने 100 प्रमाणित लगाए हैं, अंक सूची वगैरह है, उसी के आधार पर चयन किया गया है। अगर ऐसी कोई फिर से शिकायत मिलती है तो हमको सत्यापन के लिए जहाँ से मार्कशीट बनी वहाँ पर भेजना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोगों का जैसे कहना है कि APL BPL राशन कार्ड, उसमें ही गलत तरीके से किसी ने दस्तावेज संलग्न किए हैं।
अब बीपीएल सूची का सत्यापन तो जनपद पंचायत से कराना होगा। हमारे पास जो दस्तावेज उपलब्ध थे उसी के आधार पर हम निर्धारण करके सूची जारी की। आप लोग ये एपीएल और बीपीएल के अंक किस आधार पे देते हैं? बीपीएल का राशन कार्ड लगाया हुआ था जिसमें एक बीपीएल के नंबर लिखे हुए रहते और जनपद पंचायत से सूची लेकर उसका मिलान करते हैं। अगर वो नंबर में मिलता है तो उसे 10 नंबर दिया जाता है। यदि मान लीजिए आपत्तिकर्ताओं में किसी की आपत्ति सिद्ध पाई गई फर्जी दस्तावेज में, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी आपत्ति सिद्ध तो पाई नहीं गई है, लेकिन जिला स्तर कमेटी निर्णय लेगी, उसी के आधार पर कार्यवाही होगी। आपत्ति का निराकरण हो चुका? हाँ, आपत्ति का निराकरण कब हुआ? ये पिछली वाली बैठक में हुआ। अभी कुछ टाइपिंग मिस्टेक त्रुटि थी लिखने में, तो उसको सुधार कर बचाते हैं। उसमें एक आपत्तिकर्ता शायद झेड़ा से है, उन्होंने उसी दिन बाइट दी थी कि आपत्ति में हमारे को हमारे पक्ष रखने का कोई स्वतंत्र समय नहीं दिया, मतलब हमसे ना कोई डॉक्यूमेंट देखे ना हमसे कोई सवाल जवाब किया। इस संबंध में आपका क्या कहना? आपत्तिकर्ता को बुलाया गया था उस दिन, क्योंकि निर्देश में है नहीं, लेकिन पूर्व से बुला रहे थे तो उस दिन बुलाया था, तो इसको सुना भी हमने, तो डॉक्यूमेंट से कहा था। नहीं, आपत्ति में उनको बुलाने का पर्पस क्या होता है? आपत्ति में बुलाने का ये है कि उनकी क्या आपत्ति लगाए और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। तो वही तो कार्यकर्ता का कहना है, मतलब सहायक का, उसका कहना है आपत्तिकर्ताओं का, हमसे कोई दस्तावेज नहीं देखा गया ना कोई। उसके बाद जो हम दस्तावेज के आधार पर ही किया है, अगर उसमें कोई त्रुटि या गलत हो जाता तो नेक्स्ट स्टेप जो है अपील में जाएगी। तो मान लीजिए कि जो आपत्तिकर्ता उनको न्याय नहीं मिला, तो उनके लिए क्या रास्ते आगे? प्रथम अपील कलेक्टर है और सेकंड अपील कमिश्नर की अलग। क्या नाम है आपका? श्रीमती काली पति साधु बाबू ग्राम गेलरवली ग्राम पंचायत में सूर्या। ये अनिता के विरुद्ध आपने क्यों आपत्ति ली? मैंने इसलिए आपत्ति ली क्योंकि अनिता का बीपीएल में नाम दर्ज नहीं है। दूसरा, मुझे यह संदेह है क्योंकि उसके मार्कशीट फर्जी तरह से बनाए गए। अच्छा, ये बीपीएल सूची में नाम नहीं है, आपको कैसे मालूम पड़ा? ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में दिया गया। अच्छा, आपको ये शिकायत की जांच के संबंध में, आपकी आपत्ति के संबंध में सूचना पत्र कब मिला आपको? सर, हमको यह सूचना का पत्र करीबन 2:30 बजे मिला, और मैं तो वहाँ, मेरे को मालूम भी नहीं था कहाँ मिला है, कौन देगा ये भी नहीं पता। मैं तो दूर कलेक्टर कार्यालय दूर में जहाँ आदिवासी की मूर्ति थी ना, मैं वहाँ बैठी थी। वो पापा है, साइन करवा चले गए, मेरे को कुछ भी नहीं बोला कि यहाँ जाना, वो कहीं भी नहीं बोला, बस मेरे को वो साइन करवा के लेके चले गए आदेश देते। आपको पढ़ाया उनने? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस देखे चले गए, साइन करवा के ले गए बस, और आदेश दे दिया मेरे को। उसके बाद वहाँ बैठक जहाँ होनी थी, बैठक हुई क्या आपकी? हाँ, वहाँ बैठक हुई, तो बैठक कोई बैठक कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके हम खाली बुलाया, बैठक 3 बजे वो सर आए, बस एक दो को बुलाया, हम सबसे साइन करवा लिए, बस साइन करवा के भेज दिया। हमने पूछा क्या करना मैडम आप, तो घर जाए ऐसा ही बोल दिया बस। घर जाने बोल दिया? हाँ। कि अगली तारीख है कि ऐसा कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, और पूछा हमने तो अभी कुछ भी नहीं बोला, घर जाओ। और सर मैंने सर से जब पूछा तो मैंने बोला सर ये आपने हम लोगों को सिर्फ साइन के लिए बुलाया था या फिर कुछ पूछने के लिए, दोनों दो जो जिसने आपत्ति लगाई और जिसका हुआ है उन दोनों का आमने सामने पूछने के लिए बुलाया था या सिर्फ साइन करने के लिए? तो उन्होंने बोला सर ये तो वो आप उनसे पूछना सर, ये क्या बोलते जिला में जिला कार्यक्रम अधिकारी नहीं ये अपना जिला पंचायत सीओ, उनसे मिलो के उन्होंने ये बोला सर। कितने, मैंने उनसे ये भी पूछा सर कितने लोगों की सदस्य की आपकी ये है, तो हम 5 लोगों की है। मैंने उनसे ये भी कहा सर 5 लोगों की अगर ये सदस्यता है तो मुझे 5 के नाम चाहिए सर, और मैं आदेश लगाऊं। तो आपने बिना कुछ ना इनसे पूछा कि तुम्हारा क्या एजुकेशन है, किस लिए तुमने आपत्ति ली थी, कुछ भी नहीं पूछा, और डायरेक्ट इन लोगों ने क्या करा सर, सिर्फ गए तो तुम साइन करो और देखे मैंने बाहर सब साइन करके भेड़ बकरी तो भेज दिया और साइन करवा के वापस भेज दिया। तो गलत से बाहर निकलने के बाद सबसे पूछा, वो मैडम जो अधिकारी है वो तो मेरे से दूर दूर रही, मैंने जब पूछा वो जवाब भी नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। जो सर थे विकलांग है सर, उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता ये, तो आप जिला सीओ सर से पूछना। मैंने बोला सर आप फिर इकट्ठे किस लिए हुए थे, ये भी पूछा मैंने उनसे, तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो ये था पूछना था बस इतना फिर करके। मैंने बोला सर अब तो इसका मतलब जो पहले से नियुक्ति हो गई उन्हीं का होगा, बाकी तो आपने बिना जान मतलब किसी ना डॉक्यूमेंट देखे, किसी के ना किसी जानकारी ली, ना किसी को आमने सामने करके ना आपने पूछा कि आपको क्या दिक्कत, आपने क्यों आपत्ति ली, वो पूछना चाहिए सर, वो भी नहीं पूछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।